हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का ब्राइट कोचिंग परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब नया चैप्टर। कौन सा नया चैप्टर है देखिए, तो ये है आपका चैप्टर नंबर, लिखा नहीं मैंने, नाम देख लीजिए, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और ये है आपका सेवेंथ चैप्टर। कौन सा? सेवन। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और पांचवा कौन सा है, पांचवा आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, जो कि आपके बारे आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं उसको ही पढ़ाऊंगा बट लास्ट में। अब बचा नंबर छह, तो आगे मन में आ रहा होगा कि सर आपने छह क्यों नहीं पढ़ाया जबकि छह आ रहा है, तो दोस्तों छह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। छह कौन सा है? छह है आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, बस क्या है त्रिभुज में थोड़ा रिहाइद है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी ज्योमेट्री वाले चैप्टर हैं, मतलब रेखागणित वाले जितने भी हैं रेखागणित वाले, उन सबको मैं एक साथ पढ़ाऊं। तो जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, त्रिभुज, वृत्त, ठीक है ना, इन सबको मैं एक साथ पढ़ाऊंगा ताकि जब आप इनको एक साथ पढ़ोगे तो आपका जो रिदम है पढ़ने का वो बना रहेगा। वरना मैं ट्रायंगल पढ़ा दूं, फिर दो पढ़ाऊं इनको, फिर वृत्त पढ़ा दूं, तो आप भूल जाओगे ज्योमेट्री। समझ रहे हैं? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर सेवन है और इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स लगभग आते हैं, कम ज्यादा वो बोर्ड के हिसाब से होता रहता है, बट हम लोग यहाँ पे 6 मार्क्स मान के चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो दोस्तों, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा था कार्तीय तल। क्या पढ़ा था? कार्तीय तल। आप लोगों ने पढ़ रखा है कार्तीय तल के बारे में। कार्तीय तल क्या होते हैं बच्चा? कार्तीय तल का मतलब होता है कि एक ऐसा तल जिस पर दो अक्ष होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, और जिस पर हम बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं, बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2, 3, 4, 6, है ना, 1, 1, इन सब बिंदुओं को हम जिस तल पर निरूपित करते हैं या लिखते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होते हैं? कार्तीय तल होते हैं। तो इसी कार्तीय तल को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th में आपको बताया गया है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब ये हो गया बच्चों, क्लास 9th में हम लोगों ने सिर्फ पॉइंट को बनाना सीखा था कि कौन सा पॉइंट कहां बनेगा, यही ना, क्या कार्तीय तल में हम लोगों ने सीखा था कि कौन सा बिंदु कहां बनेगा, सीखा था ना। लेकिन अब क्या है, अब हमें इनकी ज्योमेट्री सीखनी है। ज्योमेट्री का मतलब होता है बच्चा कि अगर हम इन दो बिंदुओं को आपस में मिला दें, क्या मिला दें, चलिए मिला दीजिए, ये मिला दिया, तो जैसे ही हमने इन दो बिंदुओं के बीच के मिलाया ना, तो क्या हो गया, इनके बीच एक दूरी बन गई। क्या बन गई? दूरी हो गई। यहां पे भी क्या आ गया? दूरी आ गया। यहां पे भी क्या आ गया? दूरी आ गया। तो जैसे ही हमने दो बिंदुओं को मिलाया तो इनके बीच की एक दूरी मिल गई, वही दूरी हमारी ज्योमेट्री बन गई। ज्योमेट्री कैसे बन गई? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एक सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। तो बिंदु, रेखा, दूरी, इनके भी दूरी निकालना, ये सब क्या है? ज्यामिति माता है। और ये किनकी ज्यामिति है? निर्देशांक की। निर्देशांक क्यों? ये देखो, ये निर्देशांक तो है 2, 3, 4, 6, 3, 9, मान लो, तो ये सब निर्देशांक ही तो है। तो निर्देशांक हमने मिलाया तो इनके बीच क्या बन गई? दूरी बन गई। जब दूरी बन गई तो हम दूरी निकालेंगे, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। यूक्लिड साहब तो आपको याद होंगे, अरे मशहूर यूक्लिड साहब, फादर ऑफ ज्योमेट्री, इन्हें क्या कहते हैं? ज्योमेट्री का पिता कहते हैं।
याद होगा आपको। तो ज्योमेट्री के जो पिता यूक्लिड साहब थे उन्होंने ये बताया कि अगर हम दो बिंदुओं को आपस में मिला दें तो क्या बनेगी, एक सरल रेखा बन जाएगी। क्या बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी। और जहां पे रेखा की बात आती है वहीं से ज्योमेट्री शुरू हो जाती है। तो बेटा जब ज्योमेट्री शुरू हो गई और यहां पे जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, वो एक निरसांग बिंदु है। मतलब जो बिंदु हमारा है वो कार्तीय तल पे है और कार्तीय तल पे कोई भी बिंदु होता है तो वो निरसांग कहलाता है। तो निरसांग को हमने मिलाया, दोनों बिंदुओं को मिलाया, हमें रेखा मिल गई, मतलब हमको ज्योमेट्री मिल गई। तो निरसांग ज्यामिति क्या होती है बेटा, कि जो ज्योमेट्री निरसांगों से मिलकर बनी हो, जो ज्यामिति निरसांग से मिलकर बनी हो उसे क्या कहते हैं, निरसांग ज्यामिति कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब निरसांग ज्यामिति में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो हमें पढ़नी है बिंदुओं के बारे में, सिर्फ और सिर्फ बिंदुओं के बारे में। अभी मैं आपको यहां लिखवाऊंगा कि क्या क्या चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या क्या चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो, वो सब मैं यहां लिखवाऊंगा आपको। मैं निरसांग सिखा कर जाऊंगा, 6 नंबर आपको फिक्स करा कर जाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कार्तीय तल में, बातें हो गई ये सब है ना। तो देखो निरसांग ज्यामिति में आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट है एक्स कमा वाई है, अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। तो एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं हम लोग भुज और वाई को बोलते हैं क्या, कोटि। क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। इंग्लिश में इसका नाम बेटा एप्सिका, एप्सिका और कोटि का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। इंग्लिश वाले बच्चे भी हमारे ध्यान देंगे, क्या है आपका, ऑर्डिनेट है। भुज कोटि एप्सिका एंड ऑर्डिनेट यही दोनों होते हैं। मतलब एक्स की ओर जो दूरी नापी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई की ओर दूरी नापी जाती क्या कहते हैं, उसको कोटि कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। और नाइन्थ में आप लोगों ने पॉइंट को निरसांग बनाना सीख लिया होगा, अगर नहीं सीखा है तो मैं यहां सिखा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आप जरा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, चलो बताते हैं क्या क्या आप पढ़ेंगे। क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ निर्देशांकों को बनाना सीखा था। अब हम आपको सिखाएंगे कि निर्देशांक के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। जी हां, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको यही बताएंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है, तो उस रेखा के बीच में अगर कोई पॉइंट और दिया जाए तो वो पॉइंट उस दो रेखा को कुछ अनुपात में डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो हमें वो अनुपात कैसे निकालेंगे, मतलब एक रेखा दी गई है, यहाँ ए है पॉइंट, यहाँ बी है पॉइंट, एक और पॉइंट सी है, तो ये सी इन दोनों को दो भागों में बांट रहा है एम और एन के अनुपात में, मान लो। तो हमें यह अनुपात याद करना है और साथ साथ ये बिंदु याद करना है, तो इसे बोलते हैं विभाजन बिंदु। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग विभाजन बिंदु। तो एक बात हमको ये, हमने ये भी आपको सिखाएंगे। अब तीन चीजें पढ़ना है इसमें, मेनली आपको तीन चीजें पढ़ना है। चलो यहां मैं लिखता हूं क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है, तो आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, प्रॉपर आपके पास नोट्स होनी चाहिए पूरी। चलो देखो क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है, दूरी सूत्र। क्या, दूरी सूत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला टॉपिक हमको ये पढ़ना है, दूसरा विभाजन सूत्र। क्या, विभाजन सूत्र, इसे बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला। थर्ड आपको पढ़ना है, इसी से संबंधित है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मैं टॉपिक लिखवा रहा हूं, क्या क्या हमको टॉपिक पढ़ने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
जी, इतने हमको टॉपिक्स क्या है पढ़ने हैं। इस चैप्टर में यही तीन टॉपिक है, इस तीन टॉपिक मिला करके 6 नंबर का आता है। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है और इन दोनों से मिला करके एक क्वेश्चन आएगा, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, है ना। और मैक्सिमम केस में आपका यही से आता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। और आप सभी लोग बुक जरूर खरीद लीजिएगा। हो गया, चलो देखो, निर्देशांकों का बहुत ही महत्व होता है। जो भी निर्देशांक होते हैं ना, उसकी सहायता से हम किसी भी चीज की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। निर्देशांक का मतलब होता है, जैसे मान लो कि जैसे आपने मैपिंग देखी होगी ना, मैपिंग, आप गूगल मैप यूज करते होगे, गूगल मैप यूज करते होगे। गूगल मैप में आपने देखा होगा कि रास्ते बने होते हैं ढेर सारे, ना बिल्डिंगें होती हैं यहाँ पे, रास्ते बने होते हैं ढेर सारे। तो अगर किसी इंसान को वहाँ देखना है कि अगर आप चलना इशारा करते हो तो आप धीमे धीमे ऐसे बढ़ते हो, तो बेटा, और यहाँ मान लो आप रुक जाते हो, तो ये क्या है, ये आपका पोजिशन शो करता है। क्या शो करता है? पोजिशन शो करता है, मतलब स्थिति। तो हम लोग को कैसे पता, अगर मान लो हमको आपसे मिलना है तो हमें कैसे पता होगा कि आप यहीं पर हैं और कौन कौन रास्ता होगा? तो बताया क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और अगर हम यहां पे हैं तो हमको पता हो जाता है कि हमको पश्चिम की ओर जाना है। अगर हम यहां पे हैं तो हमको मालूम होता है पूरब की ओर जाना है। और ये हमारी स्थिति है, ये कहां पर हम बैठे हुए हैं, पश्चिम से कितना दूर है, पूरब से कितना दूर है, ऐसे होता है। तो जो गूगल मैप है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और आजकल तो बहुत ही ब्रॉड हो गया इसका यूज, हर जगह यूज होता है इसका। चलो तो हम बात करते हैं अपना निर्देशांक की। देखो निर्देशांक क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चा, कार्तीय तल मतलब होता है कार्टेशियन प्लेन। जैसे ये प्लेन है ना, ये भी क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु को निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं, ठीक। इसे एक्स कमा वाई से प्रदर्शित करते हैं, एक्स को भुज एप्सिका तथा वाई को कोटि मतलब ऑर्डिनेट कहते हैं, समझ गए। कार्तीय तल में इसे किसी बिंदु को निर्देशांक कहा जाता है। इसे एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, एक्स को भुज तथा वाई को कोटि कहते हैं। ये आपको बेसिक बातें जानना जरूरी है, ठीक है। अब मैं अगर एग्जांपल लूं तो इसका एग्जांपल ले सकता हूं मैं, यहाँ पे देख लो। एग्जांपल के तौर पर अगर लिया जाए तो ये हमारा कोई एक्स वाई तल है, इसे बोलते हैं कार्तीय तल। इंग्लिश में इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन,
अब कार्तीय तल में कोई बिंदु मान लो यहाँ पे 2, 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि x की ओर कितना गया है, 2 गया है, मतलब 1, 2, और y की ओर कितना गया, 3, 1, 2, 3 गया है, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया, ठीक है, x की ओर कहाँ गया, 2, y की ओर कितना गया, 3 गया है, तो यह x 2 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये 2 जो है आपका ये बन गया भुज, और ये 3 बन गया कोटि, समझ गए। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो भाई अब निरसाहन के बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, हम लोग पढ़ते हैं अपना जो दूरी का फॉर्मूला है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब आप जानते हैं हम लोग निरसांग ज्यामिति पर पहुंच रहे हैं, ज्यामिति मतलब होता है कि दो बिंदु हमारे पास हैं ना, एक सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, दो बिंदु हैं, क्या है, दो बिंदु हैं, तो पहले मैं बात लेता हूं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, दो बिंदु हमारे पास है। चलो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दूरी सूत्र, मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दूरी सूत्र क्या है, देखो अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, एक P है हमारा x1 y1 और एक हमारा क्या है Q है x2 y2, ठीक है, एक हमारा P है एक हमारा Q है। अब दो बिंदु हमारे पास हैं, तो जैसे ही हमने इन दो बिंदुओं को मिलाया, क्या, जैसे ही हमने इन दो बिंदुओं को बेटा मिलाया, चलो मिलाते हैं, मिला दिया, तो जैसे ही हमने इन दो बिंदुओं को मिलाया तो हमने ये देखा कि इन दोनों के बीच कुछ दूरी मिल जाएगी, तो यही दूरी की बात करता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, इसे ही बोलते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। चलो अब मिला दिया तो हमको क्या चाहिए, PQ चाहिए, PQ क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम मान लो इसको D बोल दें। अब दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है, देखिए ये आपका X अक्ष है, ये आपका Y अक्ष है, तो ये X1 Y1 अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसको इसको भी ऐसे हमने मिला दिया, मिला दिया, अब आपको ये दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है आपको, आपको यहां से ये दिख रहा है कि यहां से x दूरी कितना है, ये तो ये x है, x1 है, ये क्या है, x1 है, और यहां से ये दूरी कितनी है, x2 है, यही है, ठीक। वैसे ही हम जरा इसको मिला दें, क्या मिला दें, हमने मान लो इसको मिला दिया और थोड़ा वाई वाला आगे बढ़ा दूं, देखो हमने इसको मिलाया तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई है, ये तो y1 होगा, ऊपर जा रहा है ना, तो ये y1 हो जाएगा क्योंकि y1 है ये, और यहां से यहां की दूरी कितनी जाएगी, वाइट हो जाएगी। देखो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो निकाल रहे हैं हम लोग, कैसे आता है, अब जरा इसको मिलाओ, किसको, इस वाले पॉइंट को, ये मिला दिया, इसको हमने कह दिया ये R है। अब जरा एक बात ध्यान दीजिएगा कि PQR एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा ये, हमें चाहिए यहां, देखो बेटा हमें ये चाहिए, ये वैल्यू मिल जाए और ये वैल्यू मिल जाए, ये दोनों मिल जाए तो कुछ तो काम बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखो क्या काम बनता है, यहां ये क्या होगा, देखो देखो यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, मतलब यहां से यहां तक x2 है, यहां तक x1 है, तो अगर हमको ये निकालना है तो पूरे में से इतना घटा दें,
पूरे में से इतना घटा दें तो पूरा कितना है, x2 है, x2 में से हम घटा दे रहे हैं x1, तो यहां से यहां तक मतलब पी आर आपको मिल जाएगा x2 माने x1। ठीक वैसे ही ऊपर जाओ तो पूरा y2 है, इतना y1 है, तो पूरे में से इतना घटाओगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 आएगा। ये समझ में आया? अब देखो इतना अगर आपको आ गया तो मैं अब यहां पे लिखवाने चल रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला। माना P X1 Y1 तथा Q X2 Y2 कार्तीय तल में दो बिंदु हैं, कार्तीय तल में दो बिंदु हैं, मान लिया। हमें PQ के बीच दूरी d ज्ञात करनी है। हमने d बोला, P की दूरी d ज्ञात करनी है। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहां पे P R बराबर X2 माइनस X1 है, Q R बराबर Y2 माइनस Y1 है कि नहीं, तथा P Q बराबर क्या है, D है, क्या है, D है। तो आपको दिख रहा है जो पी क्यू आर ट्रायंगल है ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो गया पाइथागोरस, जरा बताइएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, यही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। बोलो जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है बेटा, कर्ण दिखाओ, कर्ण आपका d है और आधार कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d का मान यहां से पता क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये जो d की वैल्यू y है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, निकल गया हमारा सूत्र। और आप चाहें इस फॉर्मूले को आप ये भी लिख पाओगे या फिर d बराबर, इस फॉर्मूले को आप क्या लिख पाओगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये हमारा दूरी का फॉर्मूला है। अब कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आएगा तो आपको यही लगाना है। ठीक, तो पहले इसको लिखो, तो मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन करवा दूं, है ना, जैसे कि आपको आसान में आ जाए कि क्या है ये। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, है ना, तो आज के हम लोग क्लास को रोकेंगे क्वेश्चन कराने के बाद, अभी नहीं जाना है, ध्यान रखना, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, कहाँ जा रहे हो।
चलो भाई हो गया हो तो मैं रफ करूं, समझ में आ गया होगा आपको। आप देख लो कैसे क्वेश्चन आता है। देख लो क्वेश्चन, देखो ऐसे आता है, लिखेगा बिंदुओं 4, -3 तथा 6, 7 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ये है, इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, दिया ना ये, तो बेटा दो बिंदु दिए होते हैं तो इन बिंदुओं में क्या जरूरी है हमारा, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू हमको चाहिए। तो ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है। तो देख लो एक्स वन 4, -3 एक्स टू 6, -7 हो गया। अब ये दोनों बिंदु आप कह दिए गए हैं। अब क्या करिए बताएं, है दोनों के बीच निकालना है दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लिखेंगे क्या दूरी सूत्र से। दूरी का फॉर्मूला होता है डी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। जो सेकेंड मैंने लिखवाया है आप उसको भी लगा सकते हो। बताओ एक्स टू कितना है, 6, तो 6 - एक्स वन कितना है, 4, और वाई टू कितना है, 7 - वाई वन कितना है, -3, तो इसको आप माइनस में लिखोगे, ये आपका बन जाएगा 6 - 4 का 2 का स्क्वायर। देखो ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 7 और 3 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना ये, तो डी बराबर आ गया आपका क्या 4, 2 का स्क्वायर 4, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, तो डी बराबर आ गया 104। तो अब ये बाहर निकलेगा, जैसे 104 रूट से बाहर आता है क्या, हाँ आता है, बोलो आएगा क्या आएगा, पता नहीं, चलो बताते हैं। 104 को हम लिख सकते हैं बेटा 52 × 2, अब 52 होता 13 × 4 = 52, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और 13 दूनी हो गया 26, तो 2√26। अब देखो बेटा ये क्या है, दूरी है, दूरी है, तो दूरी का कोई मात्रक तो होना चाहिए भैया, दूरी बगैर मात्रक के होती है क्या, नहीं ना, तो दूरी का मात्रक होना चाहिए। यहां मात्रक क्या होगा पता नहीं है, पता नहीं है ना, जब मात्रक नहीं पता हो तो वहां क्या लिखेंगे, वहां लिख देंगे इकाई, क्या लिखेंगे इकाई, कोई भी इकाई लिखो या मात्रक लिखो बात एक ही है। कई बुक्स में इकाई लिखा है, कई बुक्स में मात्रक लिखा है, जो आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो बेटा जब स्क्रीनशॉट हो गया हो, देखो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है, करना ऐसा ही है, एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, बस पॉइंट चेंज करूँगा। देख पॉइंट मैं कुछ चेंज करता हूं, 9, 3, 11, 5, ठीक, पॉइंट चेंज कर दिया हमने, बताओ सॉल्व कैसे होगा, बिल्कुल सेम है। 9 कितना है बेटा, एक्स वन कितना है 9, वाई वन कितना है 3, ये कितना है 11, ये कितना है 5, रखो यहां पे एक्स टू 11,
x1 9, y2 5, y1 3। तो आपको दिख रहा है कि ये आपका बन जाएगा 11 में से 9 गए 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो d बराबर कितना आ गया बेटा, d बराबर आ क्या आपका आ गया 8, और 8 को हम रूट के बाहर लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इकाई मतलब मात्रक, इकाई या मात्रक दोनों में से आप एक लिखेंगे, बटे मत कर देना। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाया है और इसमें कई क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। ठीक है, ये हमारी सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ टॉपर बनने के लिए क्या करना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं। जो टॉपर्स होते हैं ना वो कुछ नया नहीं करते हैं, वो ये नहीं करते कि कुछ दवाई खा लिया, टॉनिक पी लिया, ऐसा कुछ नहीं करते, वो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, इससे वो टॉप करते हैं। तो आप भी रेगुलर पढ़ाई करो जिससे कि आप भी टॉप कर पाओ, टॉप करने में कोई भी कमी ना हो। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आज की क्लास को रोकूं। ठीक, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।